हेलो एवरीवन, जय जय श्री राम, राधे राधे। कुछ सीन कुछ ऐसा है आज का, आज 45 दिन हो चुके हैं, मतलब आज 45वां दिन ही है एक्सीडेंट के हुए, 45 दिन हो चुके हैं लास्ट, आज 45 दिन है। तो मेरे आईब्रो हेड एंड थोटी पे चोट लगी थी, बाय द वे आईब्रो हेड और थोटी तो ठीक हो गई है, मतलब नॉर्मल हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत रह रहा है, देन ये भी प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। बट ये जो मेरे पैर में चोट लगी थी, यहाँ तो टाँके लगे थे, मतलब ऑपरेशन हुआ था ना, तो यहाँ पर तो उसके निशान पड़े हुए हैं अभी। जो पैर में चोट लगी थी, हड्डी टूट गई थी मेरी यहाँ की, तो अभी तक जुड़ी नहीं है। इसके पीछे रॉड सा लगा रखा है, देखो अगर दिख रहा हो तो, शायद नहीं दिख रहा होगा, रॉड लगी पड़ी, तो अभी तक जब तक हड्डी जुड़ेगी तब तक रॉड निकलेगा नहीं। और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इन 45 दिन घर बैठे बैठे। आप सोच सकते हो कि 45 दिन कैसे बैठे रह रहा हूँ। जो बंदा डेली घूमता था बाहर, मतलब इधर उधर जाता रहता था, वो घर पे पड़ा कैसे है, लेटा रहता है, कुछ नहीं खाता पीता, सुबह उठता सोता नहाता, बस ऐसे ही करता और बेड पे लेटा रहता। दैन अभी मैं सोचा क्यों ना मैं स्टार्ट ही कर दूँ ब्लॉग बनाना, पता नहीं ज़्यादा कुछ नहीं करा करूँगा, लेकिन कराऊँगा जो भी होगा, आलतू फालतू चीज़ तो करते ही रहता हूँ, अदर एक्टिविटी तो होती रहती है। दैन स्टार्ट तो कर दिया, अभी मैं सोच रहा था गीता की बुक लेके गीता पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं रामायण की बुक पढ़ा करता था। तो अभी मैं नहाता तो हूँ नहीं डेली डेली, क्योंकि मेरी बॉडी अभी ठंडे पानी को सहन नहीं कर पाती, इसलिए तो मैंने सोचा गीता की बुक ही पढ़ लेता हूँ अभी बैठ के आराम से, और कुछ कर ही नहीं सकता और मिलता ही नहीं है कुछ करने के लिए। लाइक अभी तो हो गया, और मेरी बॉडी कंडीशन मतलब जैसे पहले थी अब वैसी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा ही पतला हो चुका हूँ। लाइक पहले मेरी वेट था 60 किलो वजन था, एंड अच्छी खासी बॉडी बना रखी थी, एंड अब होगी 40 के आसपास, क्योंकि बहुत पतला हो चुका हूँ। मेरे लेग वेग हाँ, हैंड चेस्ट शोल्डर सब चले गए जो भी था। तो अभी मैं गीता की वो ढूंढने जा रहा हूँ, इग्नोर करना इसको, मैं उछल उछल के जाना, क्योंकि मेरे एक पैर में चोट लगा हुआ है, तो इसलिए उछल उछल के जाना पड़ रहा है मेरे को। यहाँ गीता की बुक ढूंढने आया हूँ, देखो ये तो है रामायण की बुक जो पढ़ा करता था डेली। लाइक मुझे लगता है इसके अंदर हो सकता है गीता की बुक, क्योंकि हमने शिफ्ट हुए थे ना, तो इसमें तो शायद कपड़े रखे पड़े, लेकिन गीता की बुक रखे कहाँ हैं ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। आई थिंक ये है गीता की बुक, अरे ओरिजिनल वाली पता नहीं कहाँ रखी हुई है, ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने एक ये हिंदी में जो रामायण की बुक है वो निकाल ली है जो पढ़ूंगा, और ये रही गीता की बुक, देन इसे मैं पढ़ूंगा, क्योंकि जब दिन जब तक मैं घर पे बैठा हूँ तब तक कुछ ना कुछ तो कर ही लेता हूँ, बैठे बैठे कुछ ना कुछ पढ़ ही लेता हूँ। चीज तो मैंने निकाल ली है, फिर से एक पैर बच लो, तो दोनों चीज लिया है। भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरु क्षेत्र समावेत्य युद्धोत्सव मामका पांडवा सभ्य किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। ये भगवत गीता का पहले अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना निरीक्षण का पहला श्लोक था, तो इसे तो मैंने पढ़ लिया, और डेली एक एक श्लोक पढ़ूंगा, क्योंकि जिससे कि मुझे भी याद रहे और कब क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, जो मेरे माइंड में सेट रहे। गीता पढ़ने के बाद आता है मेरे पास मैसेज, वो भी किसका, मेरी गर्लफ्रेंड का। इसके मैसेज का जवाब देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके मैसेज का जवाब ना दूँ तो बेटा महाभारत छेड़ देगी, महाभारत छिड़ेगी तो भैया इसमें अर्जुन हो या कर्ण, मात तो मुझे ही खाना पड़ता, इसलिए इसके मैसेज का आते ही फटाफट इसके मैसेज का जवाब दिया, इससे बातें करी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर ये सो जाएगी, क्योंकि इसकी ट्यूशन जाना है, पता नहीं बहुत सारा काम है रहता है इस पर, तो मेरे को इतना वो नहीं है, मेरे को एडजस्ट करना पड़ता है। लाइक जो भी चीज़ हो तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ये किसी भी काम में हो कुछ भी हो, क्योंकि हम लौंडे तो फिर ही रहते हैं, बीजी तो ये लड़के ही रहते हैं कुछ ना कुछ काम से, तो इससे बात बात करके काम ख़त्म किया। तो 2 घंटे से हो रही है बरसात, गीले हो गए पर रहो, तो बैठे बैठे मैंने सोचा एक अनार खा लेता हूँ, एंड बरसात छूटेगी तो थोड़ा मैं एक्सरसाइज करूँगा छत पे जाके, तो ये छूटे तो जाके करूँ,
तो अनार फाड़ते हैं और खाते हैं इसको। अनार खाने के बाद फिर मैंने खोला फ्रिज, फ्रिज खोलकर मैंने लिया चाकू और चाकू से पनीर काटना चालू किया, क्योंकि मैंने सोचा यार अभी तक बारिश छोटी नहीं है तो थोड़ा कुछ और खा लेते हैं। तो फिर मैं फ्रिज में से पनीर काटता हूँ, पनीर का थोड़ा सा टुकड़ा लेता हूँ और उसे खाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। उसे खाकर सोचा फिर इसे खाकर वर्कआउट कर लूँगा। तो रात के 9 बज चुके हैं और बारिश अभी तक छोटी नहीं है, हल्की हल्की हो ही रही है। मैं सोचा छूट जाएगी, वर्कआउट कर लूँगा, और हल्की हल्की बारिश में भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं पैर में चोट, अगर उस पर पानी लगेगा तो दिक्कत होगी मेरे को। तो मम्मी अभी वहाँ पर है दूसरे वाले घर में, तो वहाँ पे आज पूजा थी ना, शिव चर्चा थी, तो फिर वहाँ पर है मम्मी, अब वहाँ पर से आएगी तो उसके बाद मेरे को थोड़ा खाना मिलेगा, खाऊँगा, दवाई खाऊँगा और सो जाऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। डोट मानता हूँ ज़्यादा खास नहीं हुआ, फिर भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।